नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे कौन करे कुर्बानी, जो कि राम रहीम की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 16 पेज तक कवर कर दिया है। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। भूकंप से भी ज्यादा भूकंपकारी थी ये चेतावनी। डेंगा के हाथों में भारत का भविष्य सौंप देना साक्षात देश की हत्या कर देना है सर। हमारे पास सिर्फ 15 मिनट है देश पांडे, और 90 करोड़ लोगों के जीवन का सवाल है। हमें एक मौका दीजिए सर, 15 मिनट हमारे लिए बहुत होते हैं। अब देश की निगाहें तुम पर टिकी है राम। राम की आंखों में स्पष्ट झलक रहा था ज्वालामुखी। आपके विश्वास को मैं लजाऊंगा नहीं सर। यदि सुपर ओजो मशीन का कहर रोकने में नाकामयाब रहा राम, तो उसे सौगंध है भारत माँ की, सबसे पहले दम तोड़ने वालों में राम का ही नाम होगा। अब भारत माँ के ये लाल कहाँ रुकने वाले थे भला। डेंगा हेडक्वार्टर पहुंचने के लिए तुम्हें अपनी शैडो पावर का इस्तेमाल करना चाहिए राम। अच्छा याद दिलाया तूने। अगले क्षण किसी बिच्छू काटे सा उछला था राम। अंगूठी गायब है रहीम, मुझे शैडो पावर में बदलने वाली अंगूठी मेरे अंगुलों में नहीं है। ओ माय गॉड। नोट: राम अंगूठी की मदद से शैडो पावर में बदल सकता है। जानने के लिए पढ़े राम रहीम सीरीज का कॉमिक विशेषांक शेषनाग का खजाना, जो कि मैं जल्द ही अपने चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं विलेन से टकराव के दौरान अंगूठी कहीं गिर गई हो? अब अंगूठी ढूंढने का समय नहीं है, सिर्फ 10 मिनट शेष बचे हैं हमारे पास, और इन 10 मिनटों में पहले तुझे मेरे सवाल का जवाब देना होगा राम। बिजली की गति से सामने आया विलेन, मेरी माँ कहाँ है? तुझे अपनी माँ की पड़ी है, और यहाँ संपूर्ण भारत माँ खतरे में पड़ी है। इस दुनिया में मेरी माँ से बढ़कर कुछ नहीं है राम। अपनी माँ से मिलने को तड़प रहा हूं मैं। प्लीज मुझे मेरी माँ को लौटा दो। तुम्हारी माँ कमिश्नर देश पांडे के पास सुरक्षित है बिलेन। यदि हमारे पास वक्त होता तो आज हम तुम्हें तुम्हारी माँ से जरूर मिलवाते। तुम अभी भी मुझे मेरी माँ से मिलवाओगे राम, वरना मैं तुम्हें डेंगा तक नहीं पहुंचने दूंगा। मेरा एक एक क्षण कीमती है बिलेन। ऑक्सीजन धीरे धीरे खत्म हो रही है, हम सब मरने वाले हैं। मौत आने से पहले बिलेन अपनी माँ से अवश्य मिलेगा राम। तब आज तेरी लाश से गुजर कर ही डेंगा तक पहुंचेगा राम। तुझे तो सिर्फ कानून तोड़कर कानून की हिफाजत करनी है बीरेन, किंतु हमें आज करनी है पूरे देश की हिफाजत। माँ के प्रति प्यार का कैसा जज्बा था ये बीरेन के दिल में। वर्षों बाद अपनी माँ से मिलने की कैसी तड़प थी ये। ग्लोब से नहीं बचेंगे ये तीनों, एक दूसरे से जूझते ये तीनों अनजान थे आसमान पर मंडरा रही इस मौत से, जो धीरे धीरे राम रहीम एवं बिलेन को अपने शिकंजे में कसने को नीचे बढ़ रही थी। अपनी ओर बढ़ते उन शिकंजों पर पहले नजर पड़ी बिलेन की। स्केट्स सूज की मदद से सड़क पर जिम्नास्ट सा फिसलता चला गया बिलेन। राम रहीम मोब्स। किंतु इतने खुशकिस्मत कहाँ थे दोनों? कौन था ये जो इस तरह उठाकर ले गया राम रहीम को? डेंगा की समय अवधि पूरी होने में सिर्फ 5 मिनट शेष हैं। दूर कहीं ठाकों पर ठा के दागे जा रहे थे डेंगा। आज होगा डेंगा का सपना पूरा। सिर्फ 5 मिनट शेष बचे हैं, और मैं जानता हूं कोई भी बेवकूफ सरकार सिर्फ अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए करोड़ों देशवासियों का जीवन दांव पर नहीं लगा सकती। हमारी अल्ट्रावायलेट किरण प्रूफ प्लेन तैयार खड़ा है महामहिम। जैसे ही भारत के वायुमंडल से ऑक्सीजन खत्म होने लगेगी, हम यहाँ से बहुत दूर निकल जाएंगे। वो देखिए महामहिम ग्लोब राम रहीम को कैद करके ला रहा है। लेकिन विलेन कहाँ है? उसे भी तो मरना है हमारे हाथों। यहाँ था विलेन। मुझे मेरी माँ चाहिए कमिश्नर साहब, गिरफ्तार कर लो इसे। आदेश का पालन हुआ। डोंट मूव, यू आर अंडर अरेस्ट। किंतु विलेन अपनी जगह पर था कहाँ? आपकी पुलिस फोर्स विलेन को रोक नहीं सकती कमिश्नर साहब। अब देखिए मेरे चिल्ड्रन फौज का कमाल। कम ऑन चिल्ड्रन फौज।
विलेन की आवाज पर भला कैसे ना एक्शन में आती चिल्ड्रन फौज। बोलो विलेन, तुम कहो तो कमिश्नर साहब को ही उठा कर ले चले या फिर पुलिस वालों की लाशें बिछा दें। ना हमें कमिश्नर साहब को हाथ लगाना है ना पुलिस फोर्स की लाशें बिछानी है। ये मत भूलो कि ये उस कानून के रक्षक हैं जिसकी हिफाजत करने की विलेन ने सौगंध खाई है। मुझे सिर्फ मेरी माँ चाहिए कमिश्नर साहब, मुझे मेरी माँ दे दो। अगले ही पल अनमोल माँ, किसी मासूम बच्चे सा अपनी माँ से निपट पड़ा पगला। अपनी ममता की छाँव से 5 साल तक मुझे दूर क्यों रखा माँ? आपका अनमोल कितना अकेला रह गया था आपके बिना। किसी शेरनी सी गर्जी रीना, धिक्कार है तुझे अनमोल, विलेन का ये चोला पहनकर मेरे दूध को लजाया है तूने। मेरी कोख से जन्म लेने से पहले ही मर क्यों नहीं गया तू? तड़ाक, किसी पत्थर की मूरत सा खड़ा बस रीना को ताकता ही रह गया विलेन। आज पूरे देश पर विपदा पड़ी है अनमोल, यदि सचमुच अपनी माँ को खुश देखना चाहता है तो जाकर अपनी भारत माँ को तबाह होने से बचा। रीना के कदमों में झुका विलेन का सिर। पतन की अंधी गली में भटक गया था मैं, आज तूने अपने बेटे को अपनी ममता की मशाल से नई राह दिखाई है। चल पड़ा विलेन, राम रहीम को बचाना मेरा पहला कार्य होगा। काश विलेन एक बार फिर पीछे मुड़कर देख लेता। अलविदा मेरे लाल। रीना, रीना देवी, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। फीकी सी मुस्कान तैर उठी रीना के गुलाब की पंखुड़ियों से होंठों पर। रहने दीजिए कमिश्नर साहब, शायद अपने बेटे को सही राह पर लाने के लिए ही जिंदा थी मैं। अपने अनमोल को जी भर कर देखने को ही ठहरी हुई थी मेरी सांसें। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कमिश्नर साहब, मेरा बेटा अब सही राह पर आ गया है। एक माँ के रूप में मेरा जो फर्ज था वो पूरा हुआ। अनमोल को आपके हवाले किए जा रही हूँ मैं, अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार दीजिएगा उसे, मैं वादा करता हूँ रीना देवी। आपका अनमोल मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, वादा करता हूँ मैं। किंतु रीना जीवित होती तो सुनती ना कमिश्नर देशपांडे की बात। इधर ओजो मशीन का तांडव शुरू हो चुका था। मेरी सांसें घुट रही है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन चाहिए मुझे। वायुमंडल से ऑक्सीजन खत्म होती जा रही है। आज विलेन और उसकी चिल्ड्रन फौज के लिए परीक्षा की घड़ी थी। आज उन्हें दिखाना था अपनी रोलर स्केटिंग का अद्भुत कमाल। हरी अब चिल्ड्रन फौज, हरी अब। डेंगा हेडक्वार्टर सामने दिखाई देने लगा है और मेरा रास्ता भी डेंगा हेडक्वार्टर तक पहुँचने को तैयार है विलेन। बिजली की गति से डेंगा हेडक्वार्टर तक पहुंचने का प्रयास कर रहे विलेन एम चिल्ड्रन फौज को उस तक लगा एक करारा धक्का जब प्रोफेसर वार्न उसके अरमानों को मटियामेट करने आ गया। विलेन, जैसे ही रास्ता कटेगा तू और तेरी चिल्ड्रन फौज सैकड़ों फीट गहरी खाई में दम तोड़ती नजर आएगी, और यदि बच गया तो डेंगा का दया हाथ ग्लोब तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा विलेन। ग्लोब अब तू ही बचाएगा हमें, संभलने का मौका ही कहां मिला ग्लोब को, सब कुछ बड़ी तेजी से जो हुआ था। विलेन की वो फुर्ती ही विलेन एंड चिल्ड्रन फौज के लिए जीवनदायिनी सिद्ध हुई। शुक्र है रस्सा ग्लोब की टांगों में फंस गया, अब ग्लोब पर नियंत्रण करना होगा। चीते सी छलांग लगा गया विलेन। ग्लोब बेटे अब तो ही पहुंचाएगा मुझे डेंगा तक। चिल्ड्रन फौज वापस अड्डे पर पहुंचकर मेरा इंतजार करो। ओके विलेन, वापस लौटती चिल्ड्रन फौज की तरफ देखता विलेन असावधान था प्रोफेसर वार्न की तरफ से, जिसका परिणाम उसे भुगतना पड़ा। ठक, अंधेरी की गहरी गर्त में डूबता चला गया विलेन। बेहोश विलेन की बेहोशी दूर की डेंगा के स्वर ने। वेलकम विलेन, आशा है डेंगा का हेडक्वार्टर पसंद आया होगा, और पसंद आई होगी डेंगा की सुपर ओजो मशीन जिसे मैंने तेरे बाप को मारकर हासिल किया था। डेंगा, ना 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 ना, चीख मत पिल्ले, तेरे बाप से हासिल की गई ओजो मशीन की ताकत को मैंने लाख गुना बढ़ाकर सुपर ओजो मशीन में बदल डाला है। वो देख सुपर ओजो मशीन की ताकत, स्क्रीन पर तड़पते नजर आए भारतवासी। मेरी सांसें, मेरा दम घुट रहा है।
भारत के 90 करोड़ लोगों की सांसें अभी भी बच सकती है यदि तुम तीनों अपनी सांसें डेंगा के कदमों में कुर्बान कर दो। बोलो सबसे पहले कौन कुर्बानी देगा? मैं दूंगा कुर्बानी राम, मैं पहले दूंगा कुर्बानी। सबसे पहले कुर्बानी देने का हक सिर्फ मुझे है डेंगा। नहीं, ये कुर्बानी मैं दूंगा। चंदा मामा, तुम ग्लोब को संभालो बिलेन, मैं संभालता हूँ डेंगा को और मैं प्रोफेसर वार्न को। जल्दी करो मेरे भांजो, वायुमंडल की ऑक्सीजन तेजी से खत्म होती जा रही है। वायुमंडल की ऑक्सीजन खत्म होने से पहले डेंगा की सांसें खत्म कर दूंगा मैं, और तो मुझे बताएगा प्रोफेसर वार्न कि आसमान में स्थित सुपर ओजोन मशीन को किस तरह तबाह किया जा सकता है। विलेन के फौलादी प्रहार को सहन कहाँ कर पाया ग्लोब। मर साले, क्रैश, किसी तरबूजे से फट पड़ी थी उसकी खोपड़ी। राम के कहर का शिकार बना डेंगा। ये भारत के 90 करोड़ जनता का जवाब है तुझे डेंगा। आ इधर रहीम की मार ने किसी रट्टू तोते सा बोलने पर मजबूर कर दिया प्रोफेसर वार्न को। यही है सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मशीन, जिसका ये लाल बटन दबाने से आसमान में स्थित सुपर ओजो मशीन अपने आप नष्ट हो जाएगी। अब तेरी आंखें जेल की बदबूदार कोठरी में ही खुलेगी प्रोफेसर वार्न। बटन दबा, खट, आसमान में स्थित सुपर ओजो मशीन टुकड़े टुकड़े हो गई थी। बड़ाम, खुशी के इस क्षण में एक दूसरे की बाहों में भींच गए चारों। यही क्षण था डेंगा की आंखें खुलने का, यही क्षण था चंदा मामा की दृष्टि डेंगा पर पड़ने का। नहीं, यही क्षण था डेंगा के लेजर गन के खांसने का। च्यूं च्यूं, किंतु राम रहीम एवं बिलेन के सामने दीवार बनकर खड़ा हुए चंदा मामा। आ डेंगा, राम के सीने में धधकते ज्वालामुखी का सामना कहाँ कर सकता था अब डेंगा। तर तर तर, आ चंदा मामा, आंखें खोलो चंदा मामा, ये सब क्या हो गया? चंदा मामा का भांजा होकर रोता है पगले। अरे लड़ाई तो इसी बात की थी ना कि पहले कौन करे कुर्बानी। तो मैंने ही दे डाली अपनी कुर्बानी, किंतु वादा करो विलेन, अब तुम वो डायरी अवश्य पढ़ोगे जिसमें दफन है मेरे अतीत की कहानी, जो जीते जी कभी पढ़ने ना दी तुम्हें। मैं वादा करता हूँ चंदा मामा, वादा करता हूँ मैं, आपके अतीत का एक एक पन्ना पढ़ कर रहेगा भी नहीं। आंखें खोलो चंदा मामा, नहीं मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकूंगा। चंदा मामा की आंखें अब कभी नहीं खुलेगी भी नहीं, वो हम सबको छोड़कर बहुत दूर जा चुके हैं। शोर ना करना राम, चंदा मामा सो रहे हैं, कहीं आंख ना खुल जाए इनकी, और मुझे गिरफ्तार करने का सपना देखना फिलहाल छोड़ ही दो राम। चंदा मामा का अतीत जाने बिना मैं तुम्हारे हाथ कभी नहीं आऊंगा। बिलेन को तब तक निहारता रहा राम जब तक वो आंखों से ओझल ना हो गया। राम ने तुम्हें माफ कर दिया बिलेन, तुम्हें गिरफ्तार करके चंदा मामा की आत्मा को दुख नहीं पहुंचाऊंगा मैं। मुसीबत के समय राम का हाथ तुम्हारी मदद को अवश्य उठेगा, ये राम का वादा है। प्यारे दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म होती है। राम रहीम के अगले अंक में होगी एक नई कहानी। यदि आपसे पूछा जाए कि इस कहानी में आपको सबसे रहस्यमय पात्र कौन सा लगा, तो आपका जवाब होगा चंदा मामा। चिंता ना कीजिए दोस्तों, मैं राम रहीम के किसी आगामी कॉमिक में चंदा मामा का रहस्य अवश्य खोलूंगा। फिलहाल मुझे है इस पते पर आपके पत्रों का इंतजार। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।